वेरी चीयरफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. दिस इज अंकित भारद्वाज स्टैंडिंग बिफोर यू टू डिस्कस ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन जेनेटिक्स. तो जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हमें देख रहे हैं उन्हें मैं आज बता दूं कि आज मेडिटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं अंकित भारद्वाज आपको एक ऐसा सिंपल सा कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट इन द सेंस, आप ध्यान रखें बच्चों, मैंने आपसे कहा कि हम जेनेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि यहां पर अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे बच्चे हमारे साथ नीट एस्पिरेंट्स जुड़े हुए हैं जिनका नीट का एग्जाम है, लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में जेनेटिक्स का बेसिक बताने वाला हूं, जहां पर हम जनरली डील करेंगे जेनेटिक्स के हायर कॉन्सेप्ट के साथ, ताकि इससे जो नेक्स्ट वीडियोस मैं आपके लिए अपलोड करूं, जैसे मुझे आपको पेडिग्री एनालिसिस कराना है, हर साल नीट में एक क्वेश्चन आता है, जैसे इनहेरिटेंस और वेरिएशन से जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उन पे हर साल क्वेश्चंस आता है, ठीक है, चाहे वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है या कोडोमिनेंस है या एपिस्टेसिस वगैरह है, सभी बच्चे जानते हैं इन बातों को. तो आज की वीडियो जो 9th और 10th के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी यूजफुल होने वाली है, क्योंकि उनके यहाँ पर भी एक चैप्टर है हाइब्रिडिटी एंड वेरिएशन के नाम से, वो उससे भी डील कर सकते हैं. और जो हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट हैं, मतलब 11th के हैं, 12th के हैं या फिर नीट की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस वीडियो को देख लीजिए भाई, और उससे इससे जो आगे के कॉन्सेप्ट आएंगे उसे इस वीडियो के माध्यम से समझने में आपको आसानी होने वाली है. ठीक है, चलिए ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं आपका और स्टार्ट करते हैं टॉपिक को. देखिए, जेनेटिक्स में अगर मैं बात करूं बच्चों, तो यहां पर दो वर्ड आते हैं. फर्स्ट वन इज हेरिडिटी एंड द सेकेंड वन इज वेरिएशन. टू वर्ड यहां पर आपको स्टडी करने हैं. एक वर्ड आता है हेरिडिटी और एक वर्ड आता है वेरिएशन. हेरिडिटी की बात करें तो हेरिडिटी इज मेड अप ऑफ हेरिटेज. हेरिटेज से मिलके बनाए भाई हेरिडिटी, और हेरिटेज का मतलब होता है विरासत. विरासत का मतलब हो गया कि ऐसा, जैसे आपने मतलब जो नॉर्मली मूवीज में देखा होगा या नॉर्मली हम अपनी फैमिलीज में बात करते हैं कि भाई उसको उसके पेरेंट्स की इतनी सारी संपत्ति मिली है जो उसको विरासत में मिला है उसके पेरेंट्स से, दैट इज द हेरिडिटी, है ना, हेरिटेज वर्ड उसी से बना है. तो हेरिडिटी का मतलब मैंने वहीं से निकाला, मतलब ऐसी कैरेक्टर जो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर डिक्टो ट्रांसमिट हो गए हैं या आ गए हैं, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी कैरेक्टर. तो हेरिडिटी की बात करें तो ऐसे कैरेक्टर विच ट्रांसमिट थ्रू द पेरेंट, जो पेरेंट से डायरेक्टली नए इंडिविजुअल के अंदर ट्रांसमिट कर गए हैं. ठीक बात है. अब दूसरा वर्ड आता है वेरिएशन. वेरिएशन का मतलब आप अब नॉर्मल लाइफ में रिलेट करके चले, अगर मैं कोविड की बात करूं, आप देख रहे हैं ना वेरिएशन आ रहा है, बार बार उसका म्यूटेशन बनता जा रहा है. म्यूटेशन खैर बड़ा वर्ड है, उसके बारे में आगे बात करेंगे. ठीक है, सॉरी जी, वेरिएशन की बात कर रहे हैं. वेरिएशन का मतलब हो गया यहां पर, वेरिएशन का मतलब डिफरेंसेस से, मतलब आप खुद सोचें, आप अपने माता पिता का प्रोडक्ट है, अगर मैं यहां साइंटिफिकली बात करूं, है ना, यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर पेरेंट्स. ठीक है, लेकिन आप अपने मम्मी पापा के जैसे तो दिखते हैं लेकिन डिक्टो कॉपी नहीं है, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है. कुछ कैरेक्टर्स मेल से आ रहे हैं, कुछ कैरेक्टर्स फीमेल से आ रहे हैं, इसका मतलब कुछ वेरिएशन हुआ है जीन में. आपके जीन अपने मम्मी पापा के बिल्कुल डिक्टो नहीं है. ठीक है, क्योंकि अगर बिल्कुल डिक्टो होते तो आप क्लोन होते, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट होते, यहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो वेरिएशन का मतलब आ गया डिफरेंसेस से, डिफरेंस. तो यहां इस चैप्टर में आपको पढ़ना है कि कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो हमारे पेरेंट्स से डिक्टो हमारे अंदर ट्रांसमिट हो जाते हैं, और कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो हमारे पेरेंट्स से डिक्टो ट्रांसमिट नहीं होते, और अगर ट्रांसमिट नहीं होते तो कितने परसेंट ट्रांसमिट होते हैं. इस तरीके का कॉन्सेप्ट आप जेनेटिक्स में पढ़ते हैं. आज मैंने आपको जेनेटिक्स की बिल्कुल बेसिक बात बताई है. जेनेटिक्स अगर हम यहां पर बात करें, जीन से मिलकर बनाए भाई वर्ड. जीन क्या होते हैं भूल जाओ, इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि आगे जब हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो सारी बातें रखेंगे. ठीक है,
अभी अगर मैं बात करूं तो ये 9th 10th के बच्चे भी जानते हैं कि फादर ऑफ जेनेटिक्स जिसे कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं भाई ग्रेगर जोहेन मेंडल को, मेंडल नाम के साइंटिस्ट आते हैं, उनको आप फादर ऑफ जेनेटिक्स कंसिडर करते हैं। लेकिन जो ये मेंडल हैं, ही वॉज नॉट द साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट नहीं थे, ही वॉज द मॉन्क, वो एक पादरी थे, मतलब जो चर्च में सेवा करते हैं उनको मॉन्क कहते हैं, मैथमेटिक्स के टीचर थे, तो उन्हें जीन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, उन्हें नहीं पता था कि क्रोमोसोम क्या होते हैं, उन्होंने अपने सभी कॉन्सेप्ट सिर्फ मैथमेटिकली टूल्स के बिहाफ पे बताए हैं, तो उन्होंने इसको फैक्टर वर्ड यूज किया। इन फैक्टर को बाद में बैटसन नाम के साइंटिस्ट ने जीन बोला था, उसके बारे में अलग बात करनी है, ठीक है, वो टर्म्स पे बात करेंगे। यहां मैंने आपको बताया कि ग्रेगर जोहेन मेंडल नाम के एक साइंटिस्ट आते हैं, उन्होंने सबसे पहले जेनेटिक्स के बारे में कुछ व्यूज दिए हैं, जो व्यूज आपके कोर्स में हैं उन पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला आता है भाई मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, जल्दी से देखिए फटाफट से, है ना, ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं आपका, इसे रिलेट करेंगे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, तो ये 9th 10th वालों के लिए तो ये कन्वीनियंट है वीडियो, इससे बाहर आपका जाएगा ही नहीं, लेकिन 11th और 12th वाले हैं वो इससे रिलेट करके आगे अच्छे स्टैंडर्ड के लेवल बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट हेडिंग है आपके पास, दैट इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो मोनो मीन्स वन, है ना, देखो मोनो मीन्स वन, हाइब्रिड मीन्स वेरिएशंस, ठीक है, दो अलग अलग का। तो अगर कभी एक कैरेक्टर को ध्यान में रख के कोई क्रॉस कराया जाता है तो उसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अब एक कैरेक्टर कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने मान लिया हाइट ऑफ द प्लांट एक कैरेक्टर है, तो हमने कहा कि भाई टॉल प्लांट का क्रॉस करा दिया किसके साथ, ड्वार्फ प्लांट के साथ। टोल मैंने माना कि ये होमोजाइगस टोल है, या मैं इसे प्योर टोल बोल रहा हूं शॉर्ट में, है ना, प्योर टोल है और प्योर ही ड्वार्फ है। होमोजाइगस हेटरोजाइगस एक वर्ड आता है, होमो मीन्स सेम, मतलब अगर किसी का जाइगोट सेम है दैट इज कॉल्ड होमोजाइगस, और अगर ये वेरिएशन करता है दैट इज कॉल्ड हेटरोजाइगस। तो होमोजाइगस की बात करें दैट इज कैपिटल टी कैपिटल टी, है ना, स्मॉल टी, ये सब होमोजाइगस है, दोनों एक जैसे दिखते हैं। और अगर इस तरीके का कॉम्बिनेशन दिखता है कैपिटल टी स्मॉल टी, दैट इज कॉल्ड हेटेरोजाइगस। ठीक बात है बच्चों, तो देखिए प्योर टॉल का क्रॉस कराया प्योर ड्वार्फ के साथ। जब मैंने कहा प्योर टॉल, इसका मतलब कैपिटल टी, क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 9th 10th के लिए बच्चों के लिए बात थी। और प्योर ड्वार्फ दैट इज स्मॉल टी, दोनों के हमने यहां पर गैमिट बनाए, यहां से गैमिट बना टी, यहां से बना स्मॉल टी, दोनों को फ्यूज किया, फ्यूज करने के बाद रिजल्ट निकल के आया कैपिटल टी स्मॉल टी। ये आपकी F1 फिलेरी आ गई है, F1 जेनरेशन आ गया है। और इस F1 जनरेशन की अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं कि यहां पर कैपिटल टी भी है और इसके साथ साथ स्मॉल टी भी है। इट मींस ना तो ये प्योर टॉल है ना ही ये प्योर ड्वार्फ है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको मॉर्फोलॉजिकली देखूं, भाई छोटे बच्चे ध्यान दीजिएगा 9th 10th वाले, कि अगर मैं इसको मॉर्फोलॉजिकली देखूं तो मुझे दिखाई दे रहा है कैपिटल टी। हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट ये बताता है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं वो अपने आप को F1 जनरेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अगर कैपिटल टी आ गया इसका मतलब ये टॉल है, मॉर्फोलॉजिकली ये टॉल है। अगर आप इसकी जेनेटिकली स्टडी करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये हाइब्रिड टॉल है। आप ऐसे समझिए कि मैंने माना टॉल जो प्लांट है वो 10 फीट का है और ये 2 फीट का प्लांट है, और एक नया प्लांट जो हुआ वो 7 फीट का हुआ, तो दूर से देखने पे तो आप उसे टॉल ही बोलेंगे ना, क्योंकि 2 फीट के प्लांट को आप स्मॉल बोलते थे, तो मॉर्फोलॉजिकली इट इज ए टॉल, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ऑल आर टॉल प्लांट, तो सारे प्लांट कैसे आए हैं, टॉल प्लांट आए हैं, ये बात आपको ध्यान देनी। अब आप इसकी सेकंड जनरेशन करते हैं, सेकंड जनरेशन मतलब इसी का क्रॉस इसी के साथ करा दिया, मतलब आपने यहां पर इसकी करा दी सेल्फी, ठीक है, यहां तक बात समझ आती है।
ठीक है। अब यहां पर आपने इसका करा दिया सेल्फिंग, सेल्फिंग का मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस, दोबारा से कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ कराएंगे। स्पेस यहां नीचे का शायद ना दिखे तो मैं ऊपर ही कर देता हूं, यहां से रद्द कर देता हूं। जल्दी से देखिए क्या किया है हमने, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विद द कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो एक बार इस वाले कैपिटल टी का इस वाले कैपिटल टी के साथ, दैट इज कैपिटल टी, एक बार स्मॉल टी का स्मॉल टी के साथ, दैट इज स्मॉल टी, एक बार कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक बार इस वाले कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी। तो आपने देखा कि आपको क्या क्या मिला है, आपको वन मिला है कैपिटल टी, दो मिले हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, और वन मिला है स्मॉल टी, ठीक बात है। अब देखिए यहां अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इसे आप क्या कहेंगे, ये तो कैपिटल टी सबसे पहले वाला पेरेंट था जो कि प्योर टॉल है, तो आप इसे बोलेंगे प्योर टॉल। यहां अगर मैं बात करूं दैट इज हाइब्रिड टॉल, और यहां अगर मैं बात करूं दैट इज प्योर ड्वार्फ। ये मेरे पास रिजल्ट निकल के आया है, ठीक है। ये जेनोटिपिक रेशो है भाई, कैसा रेशो है, जीनोटिपिक रेशो। तो आपसे पूछे मोनोहाइब्रिड का जीनोटिपिक रेशो क्या होता है, तो आपको दिखाई दे रहा है दैट इज 1:2:1, 1:2:1, दैट इज प्योर टॉल, हाइब्रिड टॉल और प्योर ड्वार्फ, 1:2:1, इट इज द जीनोटिपिक रेशो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक बात है। अब अगर मैं इसी का फिनोटिपिक रेशो आपको बताऊं, फिनोटिपिक रेशो का मतलब है जो आपको बाहर से दिखाई दे रहा है मॉर्फोलॉजिकली, तो यहां ही पर डिस्कस करते हैं। ये भी कैसा है भाई, टॉल है, दूर से देखने में तो टॉल ही लगता है। ये भी कैसा लगता है, दूर से देखने में तो टॉल ही लगता है ना, जिन्हें जेनेटिकली स्टडी करना नहीं आता वो तो टॉल ही बताएगा ना 7 फीट वाले प्लांट को। तो ये भी टॉल, ये भी टॉल, मतलब ये दोनों आपने एड कर दिए, दैट इज 3, तो रेशियो आपके पास आ गया 3:1। तो यहां जीनोटिपिक रेशो और फिनोटिपिक रेशो मैंने यहां पर आपको बताए, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है। तो आपसे पूछे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटिपिक रेशो और फिनोटिपिक रेशो क्या आता है, तो आप बिल्कुल आसानी से बता देंगे कि इसका फिनोटिपिक रेशो जो है वो 3:1 है, और इसका जीनोटिपिक रेशो जो है वो 1:2:1 है। तो ये बिल्कुल आसान मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इससे रिलेट करते हैं, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे हायर स्टडीज में। तो बच्चों आज की वीडियो मैंने स्पेशली, वैसे एक्चुअल में अगर मैं आपसे बताऊं तो 9th, 10th और NTSC के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डिजाइन किया है, ताकि वो भी हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ सके और उनके कॉन्सेप्ट हम अभी से नीट के लिए प्रिपेयर कर सके। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ साथ जितनी भी 9th, 10th, 11th, 12th के जो भी बच्चे हैं और हमें पसंद कर रहे हैं, वो अपने फ्रेंड्स के जो ग्रुप बने हुए हैं आपके, उसमें वीडियो को जरूर शेयर आउट किया कीजिए, ताकि उन्हें भी देखने को मिले वीडियो और वो भी हमारे साथ जुड़ सके। आज की वीडियो को यहीं पर फाइनलाइज करते हैं, कल दोबारा से मुलाकात होगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।